हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट कम दोस्त कार्तिक रतन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गतिविधियां दुनिया भर की में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जीडीपी क्या है इंडिया की और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई में इंडिया की क्या रैंक आती है वर्ल्ड में से, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी टॉप 5 कंट्रीज हैं। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो हाल ही फिलहाल में पाकिस्तान ने ट्रैवल बैन लगा दिए 26 कंट्री में, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। जून 13 को उसने ये किया है और इसमें उसने वर्ल्ड की कंट्रीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ए, बी और सी कैटेगरी में। ए कैटेगरी में जो कंट्रीज़ आती हैं उनको मैंडेटरी है कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना, तभी वो ट्रैवल कर सकती हैं पाकिस्तान में। जो बी कैटेगरी में आती हैं उनको रिक्वायरमेंट है कि वो नेगेटिव पॉलीमराइज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएं, तभी वो ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान में। और जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो 72 आवर्स में विद इन होनी चाहिए ट्रैवल डेट में। और जो सी कैटेगरी है वो तो नेग्लिजिबल है, ऐसा मतलब वो आ ही नहीं सकती। सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन जो नेशनल सर्विस की स्पेसिफिक गाइडलाइंस है NCOC की, उसी में वो ट्रैवल कर सकते हैं, यानी बहुत ही कम कंडीशन में वो ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो अपार्ट फ्रॉम द नेशन सी कैटेगरी में, जब बाकी सारी कंट्रीज़ को उन्होंने बी कैटेगरी में रखा है, जिनको नेगेटिव PCR टेस्ट का रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, यानी ए कैटेगरी में कोई कंट्री है ही नहीं। अब इसके पीछे पाकिस्तान रीज़न ये बताता है कि उन्होंने रिपोर्ट करा है 1194 न्यू केसेस और 57 फैटलिटीज़ लास्ट 24 आवर्स में, इसलिए उन्होंने ऐसा बैन, ट्रैवल बैन लगाया है कंट्रीज़ पे। और जो 26 कंट्रीज जो सी कैटेगरी में आती हैं उसमें इंक्लूड्स हैं इंडिया, ईरान, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, इराक, द मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, द फिलीपींस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, ट्यूनीशिया, बोलीविया, चाइल, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडर, नामीबिया, पेराग्वे, पेरू, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, एज वेल एज यूरुग्वे, जो सी कैटेगरी में आते हैं। अब इसके अलावा पाकिस्तान ने एक और इल्ज़ाम लगाया है इंडिया पे कि झारखंड में बोकेरो एक जगह का नाम है। 10 जून 2021 को पाकिस्तान ने लगाया कि इंडिया में वहाँ पे एक मटेरियल मिला था झारखंड में, तो बेसिकली उसको वो कह रहे हैं कि वो यूरेनियम है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की है वो कहती है कि जो मटेरियल सीज़ किया गया है वो यूरेनियम नहीं है। और क्योंकि जो इंडिया है वो कहते हैं कि मेंटेन करता है स्ट्रिंजेंट लॉ बेस्ड रेगुलेटरी सिस्टम फॉर इंटरनेशनली कंट्रोल आइटम्स, जिसमें इसके तहत कि इंडिया मेंटेन करता है ये सब लॉ। और द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो इंडिया की है उसने लेबोरेटरी एनालिसिस के बाद बताया कि जो मटेरियल जो मिला है उसके सैंपल से ये पता चलता है कि जो मटेरियल जो है जो लास्ट वीक मिला है वो ना तो यूरेनियम है और ना ही रेडियो एक्टिव है, जो कि बताते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अरिंदम बागची। तो मैं आपसे जो शुरुआत में वीडियो के क्वेश्चन पूछा था कि GDP क्या है इंडिया की, तो करंट प्राइस GDP की चल रहे हैं वो है 2021 से 21 की ₹197.46 लाख करोड़, जो कि 2019 और 20 में थी ₹2003.51 लाख करोड़। तो देखा गया कि 3% का डिक्लाइन आया है, जो कि 2019 और 20 में 7.8% की ग्रोथ हुई थी। और इंडिया में, इंडिया की जो HDI में जो रैंक है 2019 की है ये वैसी कि रिपोर्ट की इंडिया की रैंक आई है 189 कंट्रीज़ में से, रिपोर्ट बताती है ये। और जो 5 टॉप कंट्रीज थी उसमें सबसे ऊपर टॉप पर आती है नॉर्वे, उसके बाद आती है आयरलैंड, फिर देन स्विट्ज़रलैंड, देन हांगकॉन्ग एंड आइसलैंड। और ये सब जो मैंने आपको नॉलेज दी उसका डिस्क्रिप्शन, मैंने आर्टिकल्स का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उन सब में जाके पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।